अभी हम लोग चल रहे हैं बोट डालने यार। वैसे मैं धान की दवाई करने, जो धान की रुपाई हुई थी अब गैस यार, देख सकते हो भाई इतना दूर से हम लोग कंधे पे लाद के लेके जाना पड़ रहा है यार। तो से विधायक से मिलवाते हैं, विधायक हमारी मदद करने आए हैं। विधायक कैसे हो, क्या देख रहे हो यार? अरे जा रहे हैं खेत में, खेत में क्या करने, वहां का भैंस चरा हो जाता इसका। तो जी क्या हालचाल हो, बढ़िया होंगे और मजे में होंगे? नहीं गाइस, आज है 17 नवंबर और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं बोट डालने यार। अच्छा। वैसे मैं घर का नागरिक था, अब मैं हो गया देश का नागरिक। तो मेरे गांव में ही एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे बोटिंग हो रहा है। तो अभी हम लोग घर से निकल दिए हैं, पैदल जा रहे हैं और चल के आप लोगों को दिखाते हैं। सो एंड तक बने रहना, काफ़ी मजा आने वाला है। और मेरे साथ प्रमोद चल रहा है इधर। तो फटाफट चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या माहौल है वहाँ का। चलो आप लोगों को एक बात और बता दें कि प्रमोद अगले पंचवर्षीय में खड़ा हो रहा है विधायक के लिए और बोल रहा है कि सभी लोगों से बोल देना कि अगली बार मेरे को ही वोट दें। तो प्रमोद आपका नेता प्रमोद भाई मेरा हम लोगों का नेता कैसा हो, प्रमोद भाई जैसा हो? दूसरे को जिता ले फिर खुद जीत लेगी बार। चलिए गाइस अभी स्कूल के पास हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी तो भीड़ उतना नहीं है। तो अभी हम लोग अभी अंदर चलेंगे। हमारे बस वोट दिलाने आए हैं। तो अभी हम लोग अंदर चलेंगे और फटाफट वोट वोट दे के लिखेंगे बाहर यार। वैसे भीड़ नहीं है तो अभी ये हमारे डाल चुके हैं। क्यों ये वाली नहीं यार, ये वाली होती है, ये वाली का अधिकार है। तो अभी फटाफट चलते हैं अभी अंदर। तुम लोग डाल पाए हो? तुम लोग डाल पाए हो? तो अभी हम लोग चल रहे हैं डालने यार, फिर मिलते हैं आप लोगों से। चलो। हाँ तो भाई लोग देख सकते हो यार कि मैं अभी खेत में आ गया हूँ। गलत ना समझना, ये करने नहीं खेत में आया हूँ, अपना धान की दवाई करने, जो धान की रुपाई हुई थी अब टाइम आ गया है उसको। चलो खेत में चलते हैं, काम करने आया था मेरे साथ लेकिन मैं बच गया ध्यान से। देखो आगे का सीन दिखाते हैं, देखिए हमारा पूरा खेत है। धान की रूप सॉरी धान की दवाई करवाएंगे और मम्मी लोग पहुंच चुकी हैं और मैं भी जा रहा हूं और ये बाइक चोर जो है, मेरा बाइक चोरी करके भाग रहा था, इसका भी मेरे पास में है पक्का। इसको उसी में ट्रेसर में डाल के भी इसको दमवा देंगे सीधा। तो फटाफट वहाँ चलते हैं, स्वयं तक बने रहना, काफी मजा आने वाला है। और पिलार भैया खेत में क्या करने, वहाँ का भैंस चरा हो जाता इसका। भैंस चराने जा रहा है। सो गाइस इन तक बने रहना, चलो चल के दिखाते हैं आप लोगों को। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहां अपना धान इकट्ठा किए हैं और अभी थ्रेसर आया नहीं है, उसको अभी बुलाने गए हैं। बहुत लोगों का है ना यार इधर, तो सभी लोगों का करते आ रहा है तो अभी बुलाने गए हैं। जैसे आएगा तो फिर इस धान की दमाई होगी थ्रेसर से। अभी क्या ही बोले यार, बहुत ज़्यादा धूप किया है, देख सकते हो फेस कैसा दिख रहा है। और अभी जा रहे हैं छाँव में, कहीं पर देखते हैं छाँव वगैरह में जाके बैठेंगे यार, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है। और अभी चलते हैं, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। और विधायक बात है, विधायक हमारी मदद करने आए हैं। विधायक कैसे हो, कैसे यार तू यार गाँव गिरे यार, तू रात हो भी गिरे यार, बताओ यार हमारी मदद करा लो ना। पप्पू तो हम लोगों का मदद करने आए हैं विधायक सर, मदद करेंगे हम लोगों का। ये जो धान है और ये धान जो देख सकते हैं थ्रेसर में ऐसे डालेंगे हम लोग का, आपका दिल से शुक्रिया बोलते हैं और मदद करने थैंक यू सो मच। और अभी थ्रेसर आ रहा है तो इन्हीं लोगों से दमाएंगे अभी। ये चले आए मिलते आगे आप लोगों से, इन तक भरे रहना। अभी हम लोगों का टाइम आ गया है अभी धान दवाई करने का और अभी उधर सामने लगी हुई मम्मी, अभी वहाँ पे नीचे बोरी वगैरह बिछाएंगे, इसके बाद पूरा भी दवाई होगा धान का। और अभी ट्रैक्टर आ गया इधर पूरा, ये लोग भाग रहे थे, इनका हम लोग हेल्प किए लेकिन ये दोनों भाग रहे थे। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पक। हाँ तो भाई लोग अभी हम लोग का धान की दमाई कंप्लीट हो चुका है और अभी इसको बोरी में पैक भी कर दिए हैं। अब इसको लेके घर चलेंगे यार, अभी यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर दूर हम लोग का घर है, बाइक से इसको लेके चलेंगे हम लोग। गैस यार देख सकते हो भाई इतना दूर से हम लोग कंधे पर लाद के लेके जाना पड़ रहा है यार, रास्ता नहीं है ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई। जो गाँव से होंगे ना वही समझ सकता है इस दर्द को, बहुत दुख पीड़ा है गाइस, गिर ना जाए कहीं मुँह एक बल भचा से। हाँ तो भैया
जाती अपन देसी जुगाड़ लगावे यार बाइक लेके जाए आगे तब हम कंधा ना पिराई नहीं तो बहुत कंधा पिराई इसके पूरा कंधा पर लाद के लेकर इसलिए गाड़ी वहाँ वहाँ ले जाए के लिए देसी जुगाड़ लगावत के पूरा काटे गो। हाँ तो भाई लोग यार शाम हो चुकी है, हम लोगों को काम करते करते यार पता है अभी ये सब जितना है पूरा अभी पहुँचाना है हम लोगों को और अभी इतना पहुँचा के हम लोग आ रहे हैं और सो फटाफट इसको कंप्लीट करके चलते हैं यार और शाम भी होने वाली है ठंडी भी लगेगी। हाँ तो भैया अभी हम लोग रोड पे आ गए हैं और अभी बाइक से 3 बोरी लाद के एकदम चल दिए हैं घर में पहुँचाने यार। बहुत डर लग रहा है अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे मुँह के बल ऐसे गिरेंगे तो फिर हम लोग जैसे हम बोरी लेके जा रहे हैं वैसे हमको टांग के लेके जाएंगे हॉस्पिटल पहुँचा देंगे। तो अभी धीरे धीरे चलते हैं यार। हाँ तो भाई लोग अभी हम लोग घर पहुँच चुके हैं एंड रात हो चुकी है यार और इतना ज़्यादा थक गए ना हमारा तक कर हुआ टूर गलवा का अभी रात हो चुकी है और भूख इतना ज़्यादा लगा ना सोचो यार सुबह हम लोग 11 बजे गए थे और अभी आ रहे हैं इतना सारा काम था वहाँ इतना काम करके आ रहे हैं बहुत ही मेहनत की है यार। और गए अभी चल रहे हैं नहाने यार सुबह से नहाए भी नहीं है। हाँ तो भैया अभी मैं जस्ट नहा धो के एकदम रेडी हो गया हूँ और मैं अभी चल रहा हूँ बैठन मेरे को कुछ काम था बैठन और मेरे साथ इधर प्रमोद चल रहा है और वेट नहीं करते हैं चलते एकदम फटाफट सो इन तक बने रहना। तो भाई लोग अभी हम लोग मॉल में आए थे एक फेस वॉश के लिए इतना दूर से हम लोग आए हैं एक फेस वॉश लेना था हमको इसलिए मिला नहीं। हाँ वो नहीं मिला। अभी हम लोग मोमोज खाने आ गए हैं और इधर रहा मोमोज दवा के खिंचा भाई बहुत भूख लगी लो झूठ नहीं है बोलो। गाइस आप लोग कुछ दिखाते हैं ना देखो सामने क्या लिखा है बेटा हम चौराहे पर उड़ा देंगे ऐसा शौक पाले हैं कोई पूछे तो बता देना हम भंडारा वाले हैं।